सेक्शन के लिए कौसर को अंदर ले जाएंगे और फिर कुछ ही देर में हमें बेबी भी मिल जाएगा आप सबकी दुआओं के साथ और अल्लाह खैर करे से इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज हमें जरूर बेबी देगा, बेबी की खुशी हमें जरूर आज देगा। खुशी में देखो आज मैंने ये नया जोड़ा भी पहना है कि इस खुशी के साथ जा रही हूँ कि इंशाल्लाह मैं वहाँ से आज बेबी लेकर आऊंगी। चले अरे बेगैरत, जब वो प्रेग्नेंट है तो जाहिर सी बात है बेबी लेके ही आओगे, बेच के तो नहीं आओगी ना। या फिर कोसर का बाप ने कह दिया बेबी तुम रखना बेटी मैं ले जाऊंगा, लगता है इस बार दूसरा बात कर दिया। इस बार कोसर के बाप ने कहा कि सितारा तुम अपनी औरतिया कोसर को तू रखना, बच्चा मैं रखूंगा। तो इंशाल्लाह आज मैं बेबी लेके आऊंगा, आज हमें बेबी मिल जाएगा। हमें बेबी मिला, मिल गया बेबी, हमने बेबी ढूंढ लिया, मतलब हमने बेबी ढूंढ लिया, बार बार बेबी हमें मिलेगा। आज हमें बेबी मिलेगा, आज हमें बेबी मिलेगा, आज हमें मिल जाएगा। तो भाई तू भीख लेने जा रही थी तो भीख ही लेने गई थी। भीख का सबूत अभी मैं आप लोग के सामने पेश करूंगी। उससे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ, ये जो फारिग इरफान है, ये फारिग इरफान घोचू को फ्रूट्स लेने सिटी से बहुत दूर जंगल में लेके गया था, जहाँ पे एक छोटा सा मार्केट है, फीडा रोड था, फीडर बोलेंगे ये लोग, फीडा रोड था, मतलब उबड़ खाबड़ रास्ता था, जहाँ पे ये लेके गया था इरफानी से फ्रूट्स लेने। वीरान सड़क, अजीब सा जगह, जैसे हेरा फेरी बहुत हो रही हो ना, तभी मुझे शक पड़ गया था कि कुछ तो डीलिंग हो रहा है। एंड देन उसके बाद वो वीरान सी जगह जहाँ पे सिर्फ मर्द बैठ के दलाली टाइप खाना खाते हैं, वहाँ सैरी करने गई थी, जहाँ औरतें नहीं होते सिर्फ मर्दे होते हैं। तो वहाँ पर इरफान इन लोगों को फिर लेके गया सहरी के टाइम, घर से इतना दूर जहाँ मर्दे होते हैं, एकदम मैला सैला जगह, द ग्रेट यूट्यूबर को लेके गया, क्या बात है, जहाँ खाली मर्दे औरतें के मुँह ताकते हैं। फिर ये वाला सीन भी काफ़ी लोगों को खटका ना, तो मुझे भी खटका। मैंने बोला चलो खैरे, गुंडी तो यही स्टैंडर्ड की है, चार रोज से वाइटी वाइटी मालकिन बनी है, तो इसका मतलब थोड़ी ना इसके स्टैंडर्ड ऊपर चला जाए। तो मैंने, मुझे इतना मैटर नहीं किया ना ये वाला बात। तो फिर इसके बाद का सीन, हॉस्पिटल जाने के टाइम दैट लेडी इरफान की वाइफ घोचू के गाड़ी में पीछे बैठ के जा रही है, एंड देन गुंडी उसका नाम हम लोग को मेंशन कर रही है कि फलानी लेडी बैठी है। तो जब ये औरत यहाँ पे इसकी गाड़ी में जा रही है, तो इरफान वहाँ बच्चा निकाल रहा था कोसर के, इरफान अस्पताल में क्या कर रहा था, वो वहाँ पे पहले से मौजूद था। सबसे ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है कि घोचू से ज़्यादा इरफान खुश था। ठीक हो गया, आगे मैं सबूत दिखा के आप लोगों से बातें करूँगी, क्योंकि लोगों को बगैर सबूत समझ नहीं आता है। ठीक है, पहले मैं आप लोग को कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ। जब बेबी अस्पताल में सी सेक्शन होता है, सी सेक्शन मैक्सिमम 30-60 मिनट्स लेता है, मैक्सिमम, उससे पहले भी हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बीपी पेशेंट हो, कोई मसला मिसाइल हो, तो एक घंटा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। गुंडी ने कहा 2 घंटा से कोसर अंदर है, कोसर की सर्जरी 2 घंटा चला, तो 2 घंटा की सर्जरी है तो जाहिर सी बात है कोई कैमरा उमराला सर्जरी रहा, राइट, लाइक से रिमूविंग ओवेरियन सिस्ट ऐसे, या ही नहीं आए, एक ऑपरेशन होता लेडीज़ में, साइड अपेंडिक्स वगैरह, पत्थर वगैरह ना, गोल ब्लेडा निकालना, ऐसे कुछ कुछ इलाज है। तो सिस्ट जो ओवेरियन सिस्ट है, अगर लेडी को हो जाता है तो वो कंसीव नहीं करती है। तो अगर कोसर के ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं आप लोग को बता दूँ, कोसर बार बार अपना रंग बदल रही थी, मतलब फिल्टर लगा लगा के। तो मुझे तो कई बार तो ऐसे लगा कि तरह तरह के कोसर है, क्योंकि इनके फैमिली में बहुत सारी कोसरियाँ हैं, बनती रह गई, मेकअप शेकअप कर करके बनती आ गई, शक्ल थोड़ा थोड़ा मिल जुला रहे तो बनते रह गए ना हमेशा। तो वो बात तो गुंडी ने उस तरह से लोगों को घुमाया है, तो लगता है सिर्फ मुझे नहीं, बहुत लोगों को लगा। कई जगह कोसर अपना दांत ऐसे निकाल के दिखा रही है, तो लोगों को लगा होगा कि कोसरिया दांत निकली है, मुझे भी लगा, उसको भी ओट ओट खींच के बाहर करिए ना। कई जगह कोसर के लिए बड़का खिंचान लग रहा था, तो मुझे भी ऐसे लग रहा था कि शी इज़ नॉट कोसर, लेकिन वही कोसर रही। कोसर का ऑपरेशन भी हुआ है, लेकिन सी सेक्शन का नहीं हुआ है, कुछ गायनेक वाला स्टोरी रहा उसके लिए हुआ है। मुकम्मल मैंने हॉस्पिटल में पता करवाया है, राइट, आप भी करवा सकती हो, 2-4 रुपया दो, मिडवाइफ्स को दो, जिसको मर्जी दो। अभी नया नया ये कई से, तो अभी वो बता पाएंगे। और जो बेबी है उसको बाहर से लाया गया है, और जब बेबी पैदा हुआ था उसे सांस लेने का मसला था। ठीक हो गया, सांस लेने का उसे मसला था। अगर कोसर उस अस्पताल में खुद जन्म बच्चा को देती, तो कोसर के बच्चा वहाँ पे नीकू में एडमिट करीने, उसका बिल कोसर के बिल के साथ ही फाड़ते, एक सेम कार्ड में आ जाता बच्चा। नीकू में बेबी का अलग कार्ड बनता, लेकिन सेम एडमिशन, सेम केस रहता ना, अलग केस नहीं होता। ये बेबी जो आया है, जो सांस नहीं ले पाता है, उसकी माँ घर पर है, ऐसे बता के वहाँ पर उसे दाखिल करवाया गया है। जो बेबी लाया गया था सांस नहीं ले पा रहा था, जो वहाँ पे बगैर मादा के दाखिल है, जो वहाँ पे पैदा नहीं हुआ है, कोसर के नामा बेबी जो है, वो सांस नहीं ले पा रहा था, और उसे दाखिल इसलिए लाके करा गया है कि इसकी माँ घर पे है और ये दूध नहीं पी पाता है।
तो उसे दूध पिलाने के लिए प्रैक्टिस दिया जा रहा है वहाँ पे। 24 आवर्स के लिए उसे दाखिल करवाया गया है, उसका अलहदा एडमिशन हुआ है, नॉट इंक्लूड, कोसर में इंक्लूडेड नहीं है वो, कोसर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोसर के कोई मतलब बेबी वाला एंटीनेटल पोस्टनेटल ऐसा कोई वहाँ पे उसका कोई केस नहीं था, सिर्फ उसका गायनेक के इशू था, आप लोग भी पता कर सकते हो। ठीक हो गया, अस्पताल में अंदर घुसो, मिडवाइफ है, वार्ड बॉय है, क्लीनर है, स्वीपर है, हर कोई है, हर किसी कोई कैसे एकदम अभी माइंड में नया नया, तो आप लोग पता कर सकते हो। और अभी लेटेस्ट में नीकू में 3 बच्चे थे, 2 के माँ अस्पताल में जिन्होंने डिलीवर करा, बोथ ऑफ मॉम आर नॉट कोसर, और तीसरा जो बच्चा आया है वो सांस नहीं ले पाता है और दूध नहीं पी पाता है, उसको गुंडी लाके दाखिल करवाई है, और बताया गया इसकी माँ घर पे है, जो तीसरा बच्चा है उसकी माँ घर पे है, याद करना, तीसरा बच्चा के माँ घर पे है, उसे 24 घंटा के लिए घर से लाके दाखिल करवाया गया है कि इससे दूध पे लगाओ। ठीक हो गया, अल्लाह गवाह है, लैलतुल कद्र चल रही है, मैंने खुद पता करवाया अस्पताल से, आप लोग भी कर सकते हो, मैंने जैसे करवाया मेरी अपनी बहन ने किया मेरे लिए, आप लोग भी कर सकते हो। ठीक हो गया, कोई भी कर सकता है, एनीवन, ये नहीं कि खाली शरीन कमरान कर सकती है, एनीवन कैन गो अहेड ना एंड डू दिस। तो आगे चलते हैं, भांडा इरफान ने अस्पताल में फोड़ दिया है, भांडा अस्पताल में फूट गया है, इरफान ने भी फोड़ा है, नीकू वाली जो वार्ड अटेंडेंट है उसने भी फोड़ा है, गोचू जब अंदर घुस रहा था उसने बोला कि अपना बच्चा खुद पहचानो, वाह क्या बात है, वो उस वार्ड अटेंडेंट को पता भी नहीं कि इसका यही बच्चा है, और वहाँ पे कोई भी परमिशन लेके बच्चा देख सकता है, और जैसे कि वो ही लाके एडमिट करा है तो जाहिर सी बात है वो ही देखेगा ना जाके, तो ऐसे हुआ। और इन लोगों का काफ़ी, इन लोगों को वहाँ पे डांट शाट भी लगा काफ़ी बार, तो गुंडी ने कहा 2 घंटा सी सेक्शन में लग गया है, तो मैक्सिमम टाइम वाज 30 टू 60 मिनट्स, गुंडी बता रही है 2 घंटा पूरा लगा है, और ये शूट पूरा एक दिन का हुआ है, जिस दिन गुंडी गई थी कोसर को ड्रिप लगवाइए थोड़ी देर के लिए, इसने वहाँ से कोसर को डिस्चार्ज करवा के लाइए कि मैं क्या इसे घर ले जा सकती हूँ, फिर शाम को ले आऊँगी, तो जब ये शाम को लाई ये तक कोसर को ऑपरेट हो गया है, और कोसर वही ग्रीन लुंगी टाइप ड्रेस में थी, अस्पताल में बदल के ऑपरेट हुआ है, वो आ गई है, और कोसर काफ़ी डर वर रही थी, अब शायद कोसर और अरसद माँ बाप बन सकते हैं, किस क्योंकि उसका यही इलाज करवाने गुंडी ने पुण्य कमाने के लिए इस्लामाबाद लाई है। ठीक हो गया, मैंने इतनी बारीकी से समझाया है, ये कोई गुंडी वाला कहानी फेरी टेल्स नहीं है, हमें भी अल्लाह से डर है, हमें भी कब्र में जाना है, हमें अपने कब्र का खौफ है ना, तो अब चलते हैं, वो छोटी वाली सबूत दिखा देते हैं ना, तो पहले मैं उस सबूत को मेंशन कर देती हूँ एंड देन मैं लास्ट में लगा दूंगी, आप लोग अच्छे से सुन लेना, सो देट मैं फिर उस मैं क्या आगे अब मैं क्या बोलूँ आप लोग। और सबूत में ये होता है कि गुंडी बोल रही होती है कि मैं इरफान भाई और घोचू जाके बाहर सहरी कर लिया और इफ्तारी कर लिया और मेरे लिए इफ्तारी घर ले आए, ये तो तुम्हारा घर नहीं है, ये तो अस्पताल है, हा? तो तुम्हारे लिए ले आया अस्पताल में। तब वहाँ पर घोचू बता रहा है बच्चा के एडमिशन कार्ड बन गया है, मतलब बच्चा को हमने नीकू में एडमिट करवाया अपने नाम पे और कार्ड बन गया, नीकू के कार्ड बन गया एडमिशन कार्ड, जब कोसर ने डिलीवर करा है तो एडमिशन कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो कोसर के एडमिशन कार्ड पे ही चल जाता। ठीक हो गया, जब वहाँ से डिस्चार्ज होता कुछ कागज वगैरह बना के देते, तो गुंडी ने बर्थ सर्टिफिकेट के बाद इसलिए किया है क्योंकि ये बच्चा अडॉप्ट हुआ है, और गुंडी यहाँ अपने पहले वाला ड्रामा को खुल्लम खुल्ला बता दिया था कि वो वाला नाटक था और ये वाला मैं एक्टिंग रियल कर रही हूँ, पहले तो ऐसा कोई सीन्स नहीं हुआ ना, उसको हम कल एक्सपोज करेंगे पहले वाला को कि गुंडी ने पहले क्या नहीं किया और कब अब क्या किया है। तो गुंडी के 5 उंगली घी में और इसकी बहन ने टाइटल भी लगाया, अल्लाह ने बहुत खूब नवाजा, इसके लिए ही लगाया, दोनों बहनों के आपस में कोई झगड़ा नहीं है। फिर बहन को कमेंट किया, मैंने भी किया था, मेरा कमेंट डिलीट करके टाइटल बदल दिया। ठीक हो गया, मैंने बोला आखिर बहन है, प्यार जता रही हो ना टाइटल लगा के, उसने मेरा कमेंट ही डिलीट कर दिया और टाइटल ही बदल डाला। तो फिर इरफान बोलता है, घोचू बोलता है एडमिशन के 18,000 कितना लगा, तो इरफान एक एक पॉइंट जुड़वाता है कितना कितना का हज़ार लगती है, अस्पताल कितना महंगा और मेरे पैसे की भी ख्याल कर लेना, उसके हिडन में सच था। और घोचू के इरफान बता रहा है जब एडमिशन कार्ड बन गया तो घोचू चीख रहा था, भाई बन गया बन गया बन गया, जैसे कोई लॉटरी के टिकट बन गया। इरफान ने भांडा फोड़ दिया, आखिर कार्ड बन ही गया ना, कार्ड तो बन गया ना, मतलब दिया मिशन वाज टू मेक कार्ड्स, सारा लीगल डॉक्यूमेंट्स, अडेप्टर पेपर वगैरह सब कुछ, सो दैट इस बार वाईटी पे को सरो घोचू हस्बैंड एंड वाइफ साबित हुए, जबकि वो बुढ़ा पुरजा फटा पुरजा कोई बच्चा नहीं पैदा कर पाया आजकल, आज तक इस गुंडी से नहीं पैदा किया, तो जो कोसर अपने हस्बैंड से नहीं कर पाती है वो घोचू से कैसे कर लेगी। तो घोचू के यहाँ पे एक्टिंग चेक कर लो ना,
तो 18,000 पे करे 24 आवर्स में, आवर्स तक बच्चा वहाँ पे रखने के लिए। तो 24 आवर्स टाइम बच्चा वहाँ रहेगा, उसे फीडिंग सिखाएंगे, सास वास अच्छा से लेगा। गुंडी को पता है 24 घंटा बच्चा वहाँ रहेगा, 24 घंटा के ही एडमिशन करवाएं। अभी अगर मैं बता दूँ, मैं अपने हस्बैंड को बताऊँ मेरा बच्चा हुआ है, मैं बताऊँ मैं बच्चा नहीं संभाल पा रही हूँ, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बच्चा मैं फीड भी नहीं कर पा रही हूँ और कोई नहीं है घर में, तो वो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल के नीकू में अपना बच्चा रख सकता है और वो संभालेंगे, पैसा भी चापेंगे। तो ये चीज़ इन लोगों ने वहाँ पर करवाया है और आप लोग भी जाके पता कर सकते हो। तो चलते सबूत दिखाते हैं। मेरा 2 घंटे तो हो गए ना, 2 घंटे बेबी तो हो गए और 2 घंटे ऑपरेट तो हो गए, तो सर अभी आइए 2 घंटे बाद अभी। वाह, 2 घंटा के सी सेक्शन ऑपरेशन, क्या बात है गुंडी, ये बदाम खा बदाम। यहाँ पे शिफ्ट करेंगे फिर हम अंदर जाएंगे, बाकी बेबी को भी रखा हुआ है, 24 घंटे भी रख सकते हैं, घंटे भी रख सकते हैं, पता नहीं कब गोद में उठाएंगे। अभी देखो टाइम हो रहा है 7:40, खुशी मिली है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेबी आ गया, अभी वैसे हमारी गोद में जाएगा, हमारे हाथ में आएगा, उसकी तो एक अलग ही खुशी होगी। तो अभी 7 का टाइम हो रहा है, 7:30 का टाइम, 7:30 से ऊपर हो गया। रोजा अफ्तार करने के लिए इरफान भाई भी बाहर गए थे मेरे देख रेख करने, घर पे बोल रही हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में बैठी हूँ। बच्चे का एडमिशन कार्ड बनवाना था तो वो बनवा लिया। बच्चा के एडमिशन कार्ड बनवाना वाज़ा जोक, हंसी सुनो। कार्ड तो मिला है, आ गया आ गया आ गया, तो यहाँ पे फारिक इरफान बोल रहा है जब कार्ड बन के मिला ये चिल्ला रहा आगे आगे आगे, बोले ऐसे कर रहा है गोचू जैसे लॉटरी के टिकट मिल रहा हो ऐसे। एडमिशन कार्ड हर एक चीज के 18,000 तो घोचू बोलता है मैंने कोई खुशखबरी नहीं सुनाया, किसको बताए, हम बेबी ढूंढ रहे थे मिल गया, आप खुशी हो जाओ। हेलो अब्बा अमीन, हम बेबी ढूंढ रहे थे झोली बांध के घर घर पे, हमें बेबी मिल गया, मुबारक हो बेबी मिल गया, ऐसे सुना है बेगैरत औरत कहीं की।